गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जी हाँ फिजिक्स। जी हाँ, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो उसमें हमने पढ़ चुके थे जी हाँ SI के, जी हाँ सिस्टम इंटरनेशनल, इस SI यूनिट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसमें हम पढ़ चुके थे इसके एडवांटेजेस और इसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लेंथ को मीटर में लिखें और टाइम को सेकेंड में, और जो हमारा मास है अगर मैं हम उसमें ले उसको ले केजी में। सो ये सारे जो यूनिट्स हैं ये किस ये क्या कहलाएंगे SI यूनिट्स। और SI यूनिट्स आर वेरी कन्वीनियंट टू अस और बहुत आसानी से यूज हो जाते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये आई होप कि आपने बुक्स खरीद ली होंगी, प्रदीप की क्लियर है, प्रदीप की बुक्स खरीद ली होंगी, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो हम SI यूनिट के बारे में पढ़ चुके थे, आगे हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं, जो कि काम आएंगे। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, इसको ध्यान से लिख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसको आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, क्लियर है। सबसे पहला यूनिट हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट, तो वो नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट यूनिट है हमारे पास जी हाँ 1AU, यानी कि ए का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं हम किसके पढ़ रहे हैं, टू मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, यहाँ आप लिख सकते हैं लार्ज डिस्टेंसेस। अगर हमने लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने होते हैं, जैसे हम पहली बात कर चुके हैं, अगर हम स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर इज वेरी कन्वीनियंट। ऐसे तो नहीं हम कि हम उसे अगर हम कागज़ पे या हम अगर पेज पे किसी की लेंथ नापनी है तो हम उसमें बिल्कुल बड़ी सारी मेजरिंग टेप ले आएंगे, ऐसे तो हम करते नहीं, क्योंकि उसमें सिंपल स्केल यूज़ करते हैं। अगर थोड़ी उसे ज़्यादा नाप मेज़र करनी है तो हम उससे ज़्यादा इंच टेप वगैरह ले लेते हैं, कुछ भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम सपोज कर लो यहाँ से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस नापना, तो क्या हम उस स्केल से नापेंगे? नहीं, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता, तो उसमें भी हम मेजरिंग टेप लेते हैं या डिफरेंट डिफरेंट आप टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही अगर इससे भी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेज हों तो उनको मेजर करने के लिए क्या, जैसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक, तो वो लार्ज डिस्टेंसेज मेजर करने के आज हम 2-3 यूनिट्स पढ़ेंगे, क्लियर है, जो कि आपको आगे काम आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, दिस इज सपोज सन, द सेंटर ऑफ द सन सूरज, टू द सेंटर ऑफ अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लियर है। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने जो बोली है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1AU, द वैल्यू ऑफ 1AU इज इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10^11 मीटर। सो दिस इज अ मीटर, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, क्लियर। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर इतना डिस्टेंस हो जाए 10^11, मतलब कि 10 के बाद 10 11 जीरोस, इतना लंबा डिस्टेंस अगर हो जाए तो उस इतनी वैल्यू आ जाए तो उसके कम में हम 1AU। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये है सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक, क्लियर है। सो दिस इज नोन एज द 1AU, दिस इज अवर फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स। एंड द सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट्स यू हैव टू राइट इज 1 light year, दैट इज लाइट ईयर। व्हाट इज दैट लाइट ईयर, द 1 light year इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर 1 year, एक साल तक जितना डिस्टेंस लाइट वैक्यूम में कवर करती है उसे हम कहते हैं लाइट ईयर, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इज 1 light year। अगर हम इसकी सपोज करो हम इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं,
क्या निकालना हमने, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं व्हाट इज लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, वो लिख जाते हैं टाइम, तो दैट इज रॉन्ग। सो लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्लियर है। सो वन लाइट ईयर 3 × 10⁻⁴ होती है स्पीड, किसकी किसकी होती है स्पीड, आपको सिंपल बताता हूँ मैं। देखें स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने डिस्टेंस निकालना है। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी, ये भी फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए स्पीड आपको वैसे टेंथ में आपने पढ़ी होगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा है, एक साल लगा उन्होंने, एक साल कंप्लीट करने को, जितना कवर करती है जितना लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो एक साल मतलब कितने डेज, 365 डेज इंटू 365 डेज इंटू क्या जाएगा, 24 आवर्स 60 मिनट्स। अगर हम सेकेंड में निकालना तो 60 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे दैट बिकम्स इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। सो दिस इज अ लाइट ईयर। तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या कोई भी जैसे नासा वगैरह कंपनी, अगर उसने डिस्टेंस बताना होता है अभी एक स्टार से दूसरे स्टार तक या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का जो डिस्टेंस होता है, वो कई बार लाइट ईयर्स बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अभी टू लाइट ईयर, टू लाइट ईयर मीन्स उससे बोलना आसान हो जाता है, टू लाइट ईयर मतलब 2 × दिस वैल्यू, 3 लाइट ईयर मतलब 3 × दिस वैल्यू, क्लियर है। सो दिस इज अवर सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस, सो यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक दिस ऑल्सो, क्लियर है। सो नेक्स्ट अवर फंडामेंटल प्रैक्टिकल यूनिट्स इज दैट इज पारसेक, नेक्स्ट इज पारसेक्स, आपको बुक्स में भी मिल जाएगा ये यूनिट, क्लियर है पारसेक, तो हम वो उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज अवर फंडामेंटल प्रैक्टिकल यूनिट्स इज पारसेक, सो राइट डाउन फर्स्ट द थर्ड दैट इज पारसेक। पारसेक क्या है, जब भी कोई रेडियस, इट इज अ रेडियस, इट इज अ रेडियस, ये किसी भी चीज का रेडियस है, क्लियर है। अगर कोई सर्कल सपोज कर लो, यहाँ पर मैं आपको सीधा बताता हूँ, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज पॉइंट ए, इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी इन अ सर्कल, इट मीन्स दिस रेडियस एंड दिस रेडियस इज सेम, इफ वी मूव इन अ सर्कल द रेडियस इज ऑलवेज इक्वल इन फ्रॉम ऑल द साइड्स। अगर हम सर्कल बनाएंगे तो रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर रेडियस सेम है तो अगर ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, दैट ए बी इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, अभी हमने बताया ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको, तो अगर ये डिस्टेंस ए बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में, अगर ये इतने डिस्टेंस कवर हो जाए 1 सेकेंड में, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 1 बार के ऊपर ऐसे डबल इसमें हम कॉमा लगा देते हैं, 1 सेकेंड को ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ए डिस्टेंस कितना हो जाए 1 AU, कितने सेकेंड में, एंगल कितना कवर हो, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उसका रेडियस क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको पिछले लेक्चर में, थीटा इज इक्वल टू, पिछले जो मैंने वीडियो भेजी थी, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन, आर्क कितनी है ए बी अपॉन, सॉरी दिस रेडियस, सॉरी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बिल्कुल ठीक है। आर को इधर ले आए, आर क्योंकि आर क्या है, पारसेक है, तो अगर एक एंगल 1 सेकेंड में कितनी लेंथ कवर की गई हो, 1 AU, तो ए बी कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और थीटा कितना कवर किया, 1 सेकेंड, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस रेडियस को पारसेक, क्लियर है। तो पारसेक का मतलब समझ आया, जब आर्क कितनी कवर हो गई हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो उसे कहते हैं पारसेक। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अभी मैंने बताया आपको कितनी, 1.5 × 10⁻¹⁰1 सेकेंड, तो अगर 1 सेकेंड है हमारे पास तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। जैसे 1 सेकेंड, ठीक है, तो 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितने मिनट होंगे,
1/60 मिनट, ये क्लियर है। डिग्री कितनी होंगी, 1/60 × 60, और डिग्री को अगर हम रेडियन में चेंज करें, बिकॉज थीटा इज इन ऑलवेज रेडियन, अगर इसको हम रेडियन में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 5/180। तो इस वैल्यू को हम सारे को यहाँ पर फिल कर देते हैं 1 सेकंड की जगह, दैट इज 1/60 × 1/60 × π/180। सॉल्व करेंगे इसको, सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले आपको मैंने बताया था 10 की पावर सॉल्व करनी होती है, इसे इजी हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.1 × 10^16 मीटर। सो ये आपने इसको ध्यान से नोट कर लेना है, क्लियर है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पार्सल, ओके। सो इसको आप सॉल्व करें और इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आगे आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क है कि आपने क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की लिस्ट दूंगा, इसके बेस के ऊपर वो आपने सॉल्व करने हैं अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। वैसे इसमें लिख लीजिए रिलेशन, गिव द रिलेशन बिटवीन पार्सेट एंड लाइट ईयर। लाइट ईयर और पार्सेक में आपने रिलेशन बनाना है, भी कितने पार्सेक कितने लाइट ईयर होते हैं, हाउ मेनी लाइट ईयर्स इन वन पार्सेक, या हाउ मेनी पार्सेक इन वन लाइट ईयर, क्लियर है। सो ये आपने सॉल्व करना है। तो ये तो था, अगर हमने बहुत सारी लार्ज डिस्टेंसेज नापने हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत दूर तक अगर हमने नाप मतलब मेजर करने हैं, तो अगर हमने स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करना हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल, जैसे एटम के लेवल के, आपने टेंथ में पढ़ा है एटम्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूक्लियंस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में सारा आपने पढ़ा है। तो अगर हमें उस लेवल के मेज़र करने हो तो कैसे मेज़र कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, पहले हमने पढ़ा था लार्ज डिस्टेंसेस स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो हम उसके लिए स्केल तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम उसको कैसे रीड करते हैं, जैसे उसमें करते हैं हम, पहला आता है माइक्रोन, माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। जब भी देखो माइनस सिक्स का मतलब क्या होगा, 1/10^6 मीटर, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मैथ्स में आपने पढ़ा। सो दैट इज 10^-6 का भी मिल जाए आपको माइक्रोन, इसकी इसको हम इसका सिंबल होता है म्यू, ऐसे माइक्रोन, क्लियर है। फर्स्ट, सेकंड, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि बहुत काम आने वाले आगे। सेकंड इज नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर के लिए हम एन यूज करते हैं, स्मॉल नैनोमीटर, ये सिंबल है इसका, और इसकी वैल्यू होती है 10^9 मीटर। नाम से याद कर सकते हैं, नैनो से 9, मतलब नैनोमीटर भी आ जाए तो 10^9, क्लियर, वेरी इजी टू लर्न नैनोमीटर, ओके। दिस इज आल्सो अ डिस्टेंस टू मेजर एट स्मॉल डिस्टेंस, सॉरी नैनोमीटर, 10^-9, 10^-9, बिकॉज दीज टू दीज यूनिट्स आर यूज टू फाइंड द स्मॉल डिस्टेंसेज, नॉट लार्ज डिस्टेंसेज, इट इज -9, प्लीज करेक्ट इट, दैट इज 10^-9, ओके। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 एंगस्ट्रॉम, बहुत यूज होने वाला है, 1 एंगस्ट्रॉम, इट्स सिंबल इज 1, के ऊपर ऐसे बबल्स, इज इक्वल टू 10^-10 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है, क्लियर है। तो आप देख रहे हो ना, आप फिजिकल क्वांटिटी बन रही है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट्स, तो दिस इज मेक अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो थर्ड इज मेजर स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज दिस, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, ये आपको याद रखने, ये बहुत यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में, फिर आपको इसको यूज करना है वहां पर, नैनो वाला है रिवर्सिबल, नैनो लिखा होता है हमने 10^-9 यूज करना है, एंगस्ट्रॉम लिखा है 10^-10, माइक्रोन लिखा है 10^-6, क्लियर है। सो ये आपने यूज करने हैं, क्लियर है। सो अगर हम ये तो स्मॉल डिस्टेंसेस के बारे में बात कर ली, अगर हमने स्मॉल एरियाज के बारे में बात करनी हो, स्मॉल एरियाज, स्मॉल एरियाज के लिए हम यूज करते हैं जैसे 1 बार्न इज इक्वल टू 10^-28, बहुत छोटा अगर एरिया हो स्मॉल एरियाज के लिए, 10^-28 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये तो थी हमारी डिस्टेंस की बात, ये थी हमारी एरियाज की बात। अब हम बात कर लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको ये कॉम्पिटिशन्स में भी काम आ सकते हैं, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम स्मॉल मासेस की बात करें, स्मॉल मास के लिए जैसे एटम का मास, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट इज स्मॉल एटम के लिए, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1.67 × 10⁻²⁷ kg, क्लियर है, दैट इज AMU, ये हम यूज करते हैं, क्लियर है। अगर हमने पढ़ना हो स्मॉल, तो सर स्मॉल मास के लिए, ये मास की बात कर रहा हूँ, स्मॉल मास, क्लियर है। लार्ज मास के लिए, ये तो आपको पता है, आप नॉर्मली यूज करते हो लार्ज मास के लिए, जैसे 1 ton 1000 kg, क्लियर है, 1 quintal 100 kg, क्लियर है, लार्ज मास के लिए, क्लियर है। 1 slug 14.57 kg, तो ये आपको कंपटीशन के लिए याद रखना है, क्लियर है, MCQ वगैरह से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। अगर हम बात करें फॉर स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए हम यूज करते हैं जैसे 1 shake, 1 shake मीन्स 10⁸ seconds, दिस इज फॉर स्मॉल टाइम के, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स कुछ नहीं है, बस आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे, आज आपको इसमें क्या करना है, इसको मैं जो आपको नोट्स दूंगा तो उसको आपने सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, क्लियर है, और इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है ताकि आपको इसको सोल्व करना आ जाए, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपको।